वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, इसके जा साइंस प्रैक्टिस सेट 31। अगर अभी तक आपने 30 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके इसके जा साइंस प्रैक्टिस सेट करके हैं आप देख सकते हैं। ये रेलवे के लिए सामान्य ज्ञान जो विज्ञान है ये रामबान है, समझ जाइए कि इसमें निचोड़ है, रेलवे साइंस का निचोड़ है। इसमें मैक्सिमम प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रेलवे में पूछा गया है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए ताकि जब मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दूं तो आपको वो मिल सके और उसका रिवीजन आप कर सकें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? ठीक है, घर्षण बल क्या होगा यानी किस दिशा में होगा? शून्य होगा, अग्र दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा या समीप? देखिए, मान लीजिए साइकिल का दो पहिया है, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पहिया है। जब इसे नचाएंगे तो ये साइकिल इस तरीके से घूमेगा, जब रोटेट होगा क्लॉकवाइज तो घर्षण कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ घर्षण इधर लगेगा, घर्षण इधर लगेगा, बात समझ रहे हैं ना? घर्षण बल किधर लगेगा? तो पीछे की दिशा में लगेगा यानी पश्चिम दिशा में लगेगा, बात समझ रहे हैं ना? ये रोड पर अगर चल रहा है, ये चक्का है, ये जब चलेगा तो जब इधर आएगा तो ये आगे तो रोटेट करके आगे साइकिल बढ़ेगा, लेकिन घर्षण कहाँ होगा? इसके पीछे की दिशा में होगा। तो कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, कहाँ दागी जाती है? ऊपर की ओर। 20 सेकेंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया है? 196 मीटर पर सेकेंड। जी को या तो 9.8 लें या 10 लें, जो भी ले सकते हैं। अगर जी को हम यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लें, टी हमारे पास 20 सेकेंड गिवेन है। जब ऊपर की ओर दागी जाती है तो जी क्या होता है? माइनस में होता है, बात को समझिएगा। जब ऊपर फेंका जाता है कोई भी चीज़ तो जी माइनस में होता है और नीचे आता है तो जी प्लस में होता है। ये चीज़ यानी फॉर्मूला वही है, एस बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से एस हम निकाल लेंगे, यू का मान कितना है? 196 है, तो 196 गुना टी का मान 20 है माइनस हाफ जी, अगर 9.8 लेते हैं तो टी कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर यानी कि 400, ये हमारा 400 हो गया। अब 400 को 2 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 200 बार में। अब 200 बार में 9.8 को 100 से गुना कर 98 दूना कितना हो जाएगा? 98 दूना कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 9 दूना 18 19, 196। अब देखिए, 196 यहाँ भी है, 196 यहाँ भी है। अगर 196 यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा? 20 माइनस 19, 20 माइनस 1 बच जाएगा, यानी कि 196 माइनस 196 इंटू 20 माइनस, रुकिए, ये 200 था, 200 गुना 100 980, नो 1960 होगा, क्या होगा? 1960 होगा, ठीक है, ये 1960 है, ये 196 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा? 10, यानी 1960 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बात को समझिएगा। बिल्कुल जो जो कह रहा है वैसे कीजिए और वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको निकालना है, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इनर्शिया का जो नियम है वो सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीसरा नियम जो है
स्थिति और वेग के बीच संबंध प्राप्त करता है। ठीक है, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। ठीक है, और न्यूटन के तीसरे नियम से ही बल का प्रकृति का पता चलता है। तो तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध को बताता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। नेक्स्ट, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी भी पिंड का मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बात समझिएगा, अब अगर इस वी को हम आधा कर दें, आधा मतलब इस वी को एक बट्टा दो कर दें, यानी वी से वी बाई टू कर दें, तो क्या होगा ये देखिए। अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा एक बट्टा दो एम वी बट्टा टू का होल स्क्वायर, यानी आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो एम वी स्क्वायर बट्टा चार, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये अपने एक बट्टा चौथाई हो जाएगा। एक बट्टा चार इंटू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये टोटल गतिज ऊर्जा का चौथाई भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथाई भाग, यानी कि एक बट्टा चार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात को समझ गए? आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अब देखें ये क्या होता है, एफ बराबर जी एम वन एम टू, एम वन एम टू बट्टा आर स्क्वायर, यही होता है। अब कह रहे हैं यदि इसके द्रव्यमान को आधा कर देंगे, अगर एम से एम वन बट्टा टू हो गया, ये हो जाएगा एम टू बट्टा टू, तो ये जी तो जी रहेगा, ये आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक बट्टा फोर, यानी कि पहले वाले का क्या हो जाएगा, एक बट्टा चार हो जाएगा, यानी कि नया वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जी एम वन एम टू बट्टा आर स्क्वायर एक बट्टा चार। बात को समझ रहे हैं ना, ये बल का एक बट्टा चार हो जाएगा, तो एफ बाई फोर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ भी न्यूमेरिकल जो है ये समझ में आया होगा। इस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं रेलवे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि, रेल का पटरी जो होता है वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए, क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल के लिए उसको झुकाया जाता है। देखिए किसी भी धागे से पत्थर को हम बांधकर घुमाते हैं तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, टेंशन जो बल मिलता है। ठीक है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए ऐसा किया जाता है कि पटरी को झुकाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है, यदि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की बात कर रहे हैं कि गलत कथन कौन सा है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाता है, ये तो बात सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, बात सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, नहीं। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु नहीं तैरती है। ठीक है, अगला देखिए, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल का अंतर्गत कर, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु नहीं तैरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो जल का घनत्व किससे अधिक होता है, कॉर्क से, बर्फ से, लोहे की किल से या थर्मोकोल से। तो घनत्व जल से अधिक किसका होता है, तो लोहे का किल का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। उष्मारोधी की बात की गई, रबर, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबर, यानी कि उष्मारोधी है, तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर, ये सब क्या है, उष्मारोधी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए किरचॉफ के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो वस्तु, तो जो वस्तु उष्मा का जितनी अच्छी अवशोषक होगी
वह वस्तु उतना ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? आर्द्रता से आदमी परेशान क्यों होता है? क्योंकि आर्द्रता का कारण क्या होता है? ये ह्यूमिडिटी जो होता है उसके कारण पसीना निकलने लगता है। तो पसीना के कारण क्या हो जाता है? कारण आर्द्रता वाष्पित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, इसलिए आदमी क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी महसूस करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी विकल्प। देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया अवस्था से में परिवर्तन हो जाएगा, मान लीजिए बर्फ़ से पानी हो गया तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। गैस का उत्सर्जन, रंग बदल गया, ये सब क्या है, ये सारे विकल्प रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं, यही ये करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में रहते हैं। तो अमोनिया में एन और एच के जो द्रव्यमान होते हैं हमेशा 14.3 के अनुपात में रहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। संयोजकता में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण को भी इलेक्ट्रॉनिकरण भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण में जानते हैं क्या होता है, धनावेश में वृद्धि या ऋणावेश में कमी होती है, यही ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? तो उस पर क्या असर होगा, जब शुष्क के पास लेके आएंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, क्या होगा, नीले लिटमस पेपर में क्या होता है, रंग बदल जाता है, लेकिन HCl गैस के संपर्क में लाने पर क्या होता है, उसका रंग नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, उसमें रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिनाइडो की परमाणुक संख्या क्या होती है? तो एक्टिनाइडो की परमाणु संख्या 90 से लेके 103 तक रखा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्व को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया, ठीक है, और एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व पाए जाते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व पाए जाते हैं, 14 तत्व पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, तो ये आपको C60 में कार्बन के परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन वर्ग के तत्वों में लेड को छोड़कर सभी अपरूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बन और सिलिकॉन की बात की जाए तो ये अधातु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्न या लचीली है? तो सबसे नम्न या लची कौन सा हो जाएगा, तो एजी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एजी ही जो होता है सबसे अधिक नम्न या लचीला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, जब हम लोहे को निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित करते हैं तब हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मिश्र इस्पात के अंतर्गत स्टेनलेस इस्पात या क्रोम इस्पात, मैग्नीज इस्पात, टंगस्टन इस्पात, निकेल इस्पात आदि आते हैं। क्या आते हैं, ये सारे आते हैं। और स्टेनलेस स्टील पर वायु और जल आदि के प्रभाव से जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक जो होता है वो उत्तरदायी होता है। तो ये क्या उत्तरदायी होता है लगाने के लिए, रसवेदी। रसवेदी अभिग्राहक जो होता है ये उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जीभ में छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसे स्वाद ग्रंथि कहते हैं। अगर स्वाद ग्रंथि की संख्या देखी जाए
तो 8,000 से लेकर 10,000 तक होता है, ठीक है। और स्वाद ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जानकारी यानी दिल का जो फंक्शन होता है इसे जांचने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ईईजी जो किया जाता है इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राफी के द्वारा मस्तिष्क का फंक्शन यानी ये ईईजी करके मस्तिष्क का फंक्शन जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, मुंह में, भुजा में? तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है यानी कि टांग में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो पैर में अगर कहा जाए तो फीमर सबसे बड़ा हड्डी होता है, फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटालसिल तथा फैलेंजी हड्डी होता है। दोनों पैर में 60 हड्डी होते हैं, दोनों पैर में कितने हड्डी होते हैं, 60 हड्डी होते हैं, और दोनों हाथ में भी 60 हड्डी होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आपका टेस्टिस में होता है यानी कि वृषण में होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं, वन डैश द्वारा, वन किसके द्वारा नमी को वातावरण में बढ़ाते हैं, तो ये आपको बढ़ाते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वातावरण में क्या होती है, नमी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? एपिडर्मल ऊतक, जटिल ऊतक, तंत्रीय ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक? तो देखिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो होता है इसी में एक प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस ऊतक में जो शामिल कोशिकाएं होती हैं ये विभाजन करती हैं जिसके फलस्वरूप पौधा के शरीर का आकार, पौधा का जो शरीर का जो आकार होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। जब ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर जब बाहर से घर आएँ तो अपने हाथ को सही से धोएँ, हाथ को सैनिटाइज़ करें, और अगर आप रुमाल बाहर यूज किए हैं तो उस रुमाल को और मास्क को भी आके बाहर से धो दें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।